को लेकर हरियाणा और राजस्थान के बीच हुए समझौते पर सदन में तीखी बहस देखी गई। साथ ही कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने सदन के बाहर भी एमओयू को लेकर सवाल उठाए और कहा कि इससे हरियाणा को नुकसान होगा। सुने, ये पानी हम इनकी तरफ से जो एक्स्ट्रा पानी होता था वो हमारे पास आ सकता था, वो इन्होंने ब्लॉक कर दिया। अगर ये पानी आ जाता हमारा सारा का सारा महेंद्रगढ़ जिला जो है और इधर भिवानी का जिला है उसके अंदर पानी आ सकता था, लेकिन वहां भी इन्होंने डैम बनाकर उसको जो है महेंद्रगढ़ साइड में उस साइड में अब राजस्थान के अंदर पूरी तरह से ये नदियों को ब्लॉक करके डैमिंग कर दी। अब जो है हमारे इलाके के अंदर सूखाग्रस्त इलाका है, भिवानी जिला पूरा सूखाग्रस्त है, दादरी सूखाग्रस्त है, महेंद्रगढ़ जिला सूखाग्रस्त है, आगे हिसार सूखाग्रस्त है, आपके पास जो है मेवात के अंदर पानी नहीं है, रिवाड़ी गुड़गांव की तरफ चले जाएं वहां पानी नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि पाइपलाइन आपने एमओयू साइन करा है, मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी है, मतलब उनके साथ आपका पूरी तरह से समझौता हो गया है कि वो पाइपलाइन डालेंगे, सोर्स पे डालेंगे पाइपलाइन, और आप कुछ पाइपलाइन हमारी तरफ लाओगे और एक पाइपलाइन जो है वो अपने पैसे से राजस्थान अपने पास लेकर जाएगा। अब सोर्स के ऊपर जैसे ही पाइपलाइन डल जाती है तो आप समझ सकते हैं वो तो फिर डल गई, हम दें या ना दें वो तो पानी लेकर जाएंगे। और मेरा कहने का मकसद ये है कि जब ये नेचुरल रिसोर्स को, ये हम वाटर शेयरिंग की बात नहीं है, ये तो पानी जो है हमारे इलाके के अंदर जो बरसात का पानी है जिसको आप कहते हैं कि ये फ्लड सिचुएशन आ सकती है, तो आप जब पाइपलाइन दबाकर उनको पानी दे सकते हैं और आप कह रहे हैं पाइपलाइन आप दबाएंगे, तो ये सारा एक एक बूंद जो है पानी का पाइपलाइन दबा के हमारे 5-6 जिलों के अंदर लेकर जाइए। जब हमारे को उन्होंने हर जगह अपोज करा है, हम उनको अपने सोर्स से अगर जो है वहां से हम इनको पानी दे रहे हैं, तो इससे ज्यादा हरियाणा के हकों के ऊपर, हरियाणा के किसानों के, हरियाणा की जनता पे, खाली सिंचित पानी नहीं है, ये हरेक के जो है हरियाणा का जो बाशिंदा है उसके हकों का कठोर घात जो है ये कर रहे हैं। अब हम विपक्ष के अंदर बैठे हैं, विपक्ष के साथ भी, क्योंकि ये मसला केवल सत्ता पक्ष का नहीं है, ये मसला सारे हरियाणा के लोगों का है, और ये शेयर करना चाहिए था, उसका प्रीति जो है सदन पटल पे रखनी चाहिए थी, ताकि हम देख पाते कि आपने कहा क्या है, किस तरह की बात आप कर रहे हैं, क्या समझौता आप करके आए। वो तो कुछ कहा नहीं, उसको तो बस केवल ये कह दिया कि हमने ये काम करा है और ये पाइपलाइन दबाई जाएगी। अब इस एमओयू के तहत अगर इसको विड्रॉ नहीं करा गया तो राजस्थान तो अपना खूब पैसा डालकर और अपने पाइपलाइन ले जाएगा, और आने वाले समय में आप समझ सकते हैं हरियाणा